हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विक्रम वेदा मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो आप सभी को पता नहीं होंगे। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी को पता है कि विक्रम वेदा साउथ मूवी विक्रम वेदा की रीमेक है। इन दोनों मूवीज़ को पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया है, जो रियल लाइफ में हस्बैंड और वाइफ है। ये मूवी इंडियन लोक कथा बेताल 25 पे फोकस करती है। जैसे राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने जाते, बेताल उन्हें अलग अलग स्टोरी सुना के उन्हें फंसा देता था, कुछ ऐसी ही थीम इस मूवी की होने वाली है। मूवी में विक्रम का कैरेक्टर सैफ अली खान सर प्ले करने वाले हैं, जिसे आर माधवन सर ने प्ले किया था, और वेदा जो एक गैंगस्टर है उस कैरेक्टर को ऋतिक सर प्ले करने वाले हैं, जिसे विजय सेतुपति सर ने प्ले किया था। मूवी में राधिका आप्टे मैम एक वकील का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी, जो मूवी में विक्रम की पत्नी है, जिसे ओरिजिनल मूवी में श्रद्धा श्रीनाथ ने प्ले किया था। मूवी में रोहित श्रॉफ वेदा के भाई का किरदार निभा रहे हैं। तमिल मूवी विक्रम वेदा का बजट 11 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 60 करोड़ की कमाई की थी। वहीं पर हिंदी वर्जन का बजट 175 करोड़ है और मूवी लखनऊ के कुछ हिस्सों में शूटिंग हुई है और कुछ अबू धाबी के सेट पे, जहाँ पहले टाइगर जिंदा मूवी की शूटिंग हुई थी। मूवी को म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया है। मूवी में पहले शाहरुख सर को कास्ट किया गया था, बट कुछ कारणों की वजह से शाहरुख सर ने ये मूवी नहीं की। फिर ये मूवी सैफ सर और आमिर सर को लेके बनाई जाने वाली थी, बट क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण आमिर सर ने ये मूवी नहीं की। फिर मूवी में विक्रम के कैरेक्टर के लिए आर माधवन सर को कंसिडर किया जाने लगा, बट उस वक्त वो आर रॉकेटरी मूवी में बिजी थे। फिर फाइनली सैफ एंड ऋतिक का फेस ऑफ फिक्स किया गया, जहाँ ऋतिक सर को कई डिफरेंस शेड में दिखाया जाएगा। ऋतिक सर और सैफ सर इससे 20 साल पहले 2002 में आई ना तुम जानो ना हम में एक साथ नजर आए थे। ये मूवी ओरिजिनल मूवी से भी ज़्यादा रो एंड आर रेटेड रहने वाली है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स विक्रम वेदा मूवी के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।